आज किचन निंजा में देखते हैं हम ये डिलीशियस ग्रिल्ड पनीर चीज बर्गर कैसे बनाते हैं। हाय, दिस इज रुचिशा, वेलकम टू द किचन निंजा। अगर अब तक आपने मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सो दैट आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आए। थैंक यू। ग्रिल्ड पनीर चीज बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच दही लिया है। दही मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे लिया है। दही को हम अच्छे से एक बार विस्क कर लेंगे। ये जो आज हम बर्गर बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस बनेगा। बच्चे तो इसे बहुत ही उंगलियां चाट के खाएंगे। सो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। दही को मैंने अच्छे से विस्क कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। थोड़ा सा इसे हम चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे 1/2 स्पून जितना चाट मसाला ऐड करेंगे। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। अगर अब तक आपने मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सो दैट आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आए। मसाले हमारे अच्छे से दही के साथ मिक्स हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे पनीर के क्यूब्स लिए हैं। तकरीबन मैंने यहाँ पे 50 ग्राम जितना पनीर लिया है जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर दिया है। इसे हम मैरिनेट करेंगे। अच्छे से इसे हम पनीर के साथ कोट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने दे सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी में हो तो आप इसे इंस्टेंटली भी ग्रिल कर सकते हो। ग्रिल पैन लिया है मैंने यहाँ पे, जिसे मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप चाहो तो आप बटर या घी किसी भी चीज का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑयल यूज किया है। एक एक पनीर के स्लाइसेस हम रखेंगे और दोनों भी साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुए तब तक इसे हमें ग्रिल करना है। फ्लिप कर लेंगे एक बार। दोनों भी साइड से पनीर हमारे अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं। अब इसे हम ले लेंगे। अब एक नॉनस्टिक पैन में मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और बर्गर बंस को हम अच्छे से सेक लेंगे। अगर आपके पास बर्गर बंस नहीं है तो आप नॉर्मल पाव में भी ये चीज बना सकते हो या सबवे के जो ब्रेड जाते हैं उसमें भी ये चीज बना सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। बंस हमारे अच्छे से टोस्ट हो चुके हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे हम और बंस को ले लेंगे। अब बर्गर बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रेडी है। ग्रिल्ड पनीर भी रेडी है हमारा और मैंने यहाँ पे कुछ वेजीज लिए हैं, टमाटोज, कुकुम्बर और मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिया है। वैसे आप अपने चॉइस के कोई भी वेजीज ले सकते हो जो आपको पसंद हो। अब ये जो बन का नीचे का साइड है उस पे हम बर्गर मेयो लगाएंगे। मैंने यहाँ पे विवा का यूज किया है। ये आपको इजीली कोई भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा। अगर आप मेयोनीज नहीं खाते हो तो आप यहाँ पे ग्रीन चटनी और टमाटो केचप भी यूज कर सकते हो। अब जो बर्गर का दूसरा साइड है उस पे हम प्लेन मेयो लगाएंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बट यहाँ पे दोनों भी मेयो यूज करके बर्गर का बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आएगा। अब जो फाइनल पार्ट है वो है बर्गर को असेंबल करने का। सो सबसे पहले हम एक ग्रिल पनीर का क्यूब रखेंगे। अब उसमें हम वेजीज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे कुकुम्बर ऐड किया है, टमाटो स्लाइस, कैप्सिकम। अब इन वेजीज पे हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे या आप सैंडविच मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो।
अब बर्गर बना रहे हैं तो बर्गर विदाउट चीज तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। सो यहाँ पे हम एक स्लाइस चीज का ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। आप चीज की जगह पे यहाँ पे ग्रेटेड पनीर भी ऐड कर सकते हो। बस अब हम इस बर्गर को क्लोज करके असेंबल कर लेंगे और आप देख सकते हो हमारा डिलीशियस सुपर टेस्टी पनीर ग्रिल्ड बर्गर रेडी है टू सर्व।